चीजों को थोड़ा सा चेक किया जाए, और जिस तरह से चेक करेंगे चीजें आप, फिर वही बात याद आएगी। आप कह रहे हैं कि डीआरएस मैनिपुलेट हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है बिल्कुल, और नजर आ रहा है ये पहला डीआरएस नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो डीआरएस जो है पिछले दो तीन जो है रिव्यू, फिर वो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें कितना क्लोज था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट विकेट की पार्टनरशिप पे, और वो बिल्कुल भी जो है इसको अपोलोजाइज नहीं किया गया। जी विराट कोहली जो है वो 100 करी जा रहा है, रोहित शर्मा जो है वो आते साथ ही शुरू हो जाता है, और इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है कि यार कोई टीम ही नहीं रुक पा रही। ये तो धोती खोल रहा है भाई, हम क्या बेवकूफ है जो मैच देख रहे हैं इंडिया का, ये तो भाई फिक्स मैच है। तमाम जो इंडिया के मैचेस है ये भाई फिक्स हो रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये इंडिया की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है यार, एक मैच में चलो मान लेते हैं कि यार इंडिया ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, इंडिया ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, यार 8 के 8 मैच जो है वो इंडिया की टीम जीत गई है। और कैसे जीती है? ओ भाई 350 करके अगली टीम को 110 या 120 स्कोर पे आउट कर दे रहा है। लो भाई आईसीसी का वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये बीसीसीआई का वर्ल्ड कप हो रहा है, और बीसीसीआई का वर्ल्ड कप का मतलब कि बाकी टीमें जो है वो आलू चने खाने आई है, और जो दूसरी टीमें हैं जो भारत की टीम है ये वर्ल्ड कप ले जाएगी, ये मान लो मेरी बात। आज मैं कुछ ऐसे सबूत लेकर आया हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यार क्रिक अपनी चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। पाकिस्तान टीम के बाद मैंने कहा मैं सपोर्ट करूंगा इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन यार मैंने बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि यार मैंने अपनी टीम को भी बुरा भला कहा, लेकिन मैंने इंडिया की टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन 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 यार इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप जो है वो रोंदी से जीतो, चीटिंग करके जो है वो विराट कोहली की सेंचुरी करवाओ। यार कल के मैच में भी हमें पता चल गया, जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ कल, हमने कहा चलो यार इंडिया की टीम जो है वो बहुत टफ टाइम देगी, साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत टफ टाइम देगा इंडिया को, हमने कहा चलो ठीक है दोनों का मुकाबला देखते हैं बहुत मजा आएगा। लेकिन यार जैसी बारिश शुरू होती है रोहित शर्मा जो है वो पागलों की तरह शुरू हो जाता है साउथ अफ्रीका को, और दौड़ना शुरू कर देता है, मार्कन जैनसन को भाई 4 ओवर में 44 रन मार देता है। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, ये जो होगी ये बैटिंग पिच होगी, हमने कहा कोई बात नहीं, जो साउथ अफ्रीका बैट्समैन है वो भी यार कुछ करने ही आए हैं, वो भी भाई कुछ करेंगे, हमने ऐसे समझा। कुल मिलाकर जो है वो यहाँ पर विराट कोहली की चीटिंग करके सेंचुरी बन जाती है, वो नो बॉल वो जो आउट दिया था, यानी कि जो एज लगा था डी कॉक ने, जो कैच पकड़ा था बाद में जो रिव्यू लिया था, और भाई साफ नजर आ रहा है कि एज लगा हुआ है, लेकिन नहीं भाई ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है भाई बीसीसीआई वर्ल्ड कप, आईसीसीआई वाले तो भाई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, लेकिन यार ये बीसीसीआई वाले जो है ना पूरा वर्ल्ड कप करवा रहे हैं कि यार रिव्यू सिस्टम ही इनका खराब कर दिया। विराट कोहली जो थे वो 50 पर मौजूद थे, तकरीबन 60 स्कोर हो चुका था, लेकिन जैसे ही रिव्यू सिस्टम में हमें देखने को मिला कि एक साइड पे भाई गेंद ही गायब है और दूसरी साइड पर एज ही गायब है, लो भाई वारो और बैट के साथ बिल्कुल अटैच है बॉल, और भाई बैट के साथ बिल्कुल अटैच है, यार ये हम पागल है पता नहीं, अब आंखें बंद करके इंडिया के मैच देख रहे हैं ये पता नहीं क्या देख रहे हैं। लेकिन भाई जब भाई इंडिया की टीम जो है वो 326 वाला जैसा पहाड़ खड़ा कर देती है 50 ओवर में साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ, तब हमने कहा चलो यार अब आएगा अफ्रीका की पारी और टफ टाइम देगा और ये सारी से मैच जीत जाएगा, लेकिन नहीं भाई, तब पता क्या होता है, तब आती है एक नई गेंद, वो वाली गेंद नहीं जिससे साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की थी इंडिया की टीम को, वो दूसरी गेंद जिससे इंडिया की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर देगी बहुत आसानी से। तो यार ये लो भाई ये मजाक हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई, साउथ अफ्रीका का एक भी बैट्समैन नहीं चला कल के मैच, वो साउथ अफ्रीका जो के 10 ओवरों में भाई 120-130 बना लेते हैं, वो साउथ अफ्रीका जो के भाई आखिरी 5 ओवर में 80 स्कोर कर लेते हैं जब रह जाते हैं, लेकिन वो भाई कल के मैच में 100 भी नहीं कर पाई। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, ये कौन से मैचेस हो रहे हैं जो कि सिर्फ इंडिया के मैचेस में ही दूसरी टीमों को यानी कि कुछ हो ही नहीं रहा इनके साथ, भाई पागल है, मारो मुझे मारो यार। मिशेल स्टार्क 90-90 खा रहा है, शाहीन अफरीदी 90-90 खा रहा है, लेकिन भाई भाई सिर्फ मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज ही 10 ओवरों में 21 स्कोर दे रहे हैं और 4-4 विकेट ले रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो पता नहीं साउथ अफ्रीका के पिच के ऊपर जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं या इंडिया की पिच के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, ये भाई वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। अगर ये वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया जो है वो सेमीफाइनल भी खेल ली अगर जीत गई और फाइनल भी खेल ली जीत गई, भाई हम जो है वो इनको चैंपियंस नहीं मानेंगे, ये मेरी बात मान लो, अगर इसी तरह ही कुछ हरकतें हुई सेमीफाइनल और फाइनल में
तो यार ये फिर समझ लो कि ये फिक्स है। मेरी नज़र में 80% जो है वो इंडिया की टीम जो है वो चीटिंग कर रही है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार क्या वाकई इंडिया की टीम जो है वो चीटिंग कर रही है या फिर ये जो है या फिर मैं जो हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ। अभी आप गौर करना यार, अब अगला मैच जब होगा ना इंडिया का, लास्ट मैच जब होगा उसमें भी आपने गौर करना है, नोटिस करना कि क्या सीन चलता है। और जब सेमीफाइनल होगा वो भी आप लोगों ने, आप सिर्फ मैच को एंजॉय करते हो लेकिन मैच को दूसरी नज़र से नहीं देखते, आप यार दूसरी नज़र से भी देखा करो कि यार ये हो क्या रहा है, ये क्रिकेट हो रही है या अभी BCCI वाले टूर्नामेंट करवा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो ना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी से लाजमी यार लाइक कर देना। मेरा ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।